भूषण भी है तू, तू ही समय भी है, सृष्टि भी तू, तू ही प्रलय भी है, स्वयं ही तू अग्नि शेषनाग और शेषनागिन की जय हो। कल महाशिव की महाशिवरात्रि है और कल रात्रि को ही महागौरी और महाशिव का महाविवाह संपन्न हुआ था, तो इससे शुभ अवसर और क्या होगा शेषनाग और शेषनागिन के शुभ विवाह का। तो कल आप दोनों नागलोक पधारें और शेषनाग और शेषनागिन के रूप में आपस में विवाह कर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पता है रघु, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम शेषनाग। अब कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, शेषनाग और शेषनागिन की नई जिंदगी। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ ना, तो मुझे ये खूबसूरत सपना लगता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। तुम अकेली थी और तुमने अकेले लाइफ में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तुम्हें लाइफ में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, सोचता हो तो मेरी रूह कांप उठती है। तो इसलिए I am proud of you. अब देखना, अब हमारी लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। रघु, मैंने अपने कई रिश्ते खोए हैं और फिर तुम्हें पाया है। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। जिन जिन लोगों ने मुझसे मेरे अपने छीने थे, मैंने उन सबकी सांसें छीन ली, उन सबको खत्म कर दिया। बस एक ही बचा है, पर कल हमारी शादी के पहले मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। अपने आखिरी दुश्मन को भी मिटा दूंगी। कौन है वो? सीमा। कहाँ चली गई ये नीली नागिन? घर पर तो ढूंढा, कहीं मिली नहीं। कहकर तो यही गई थी कि घर के आंगन में तुझे मिलूंगी, फिर यहाँ से हम दोनों बॉर्डर पर जाएंगे। सीमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ लूट पाट कर तेरी नीली नागिन अकेली परदेश चली गई हो? अरे सोचा होगा, भाड़ में गई सीमा और वो निकल गई होगी पतली गली से। हाँ, वो तो निकल गई पतली गली से। आप कहो तो आपको भी भेज दूं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप उसकी याद में तो मरी जा रही हो। तो तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। पर जिस महक को आप ढूंढ रही हो ना, उसकी महक तो खत्म हो गई, वो चली गई। अब आपकी बारी। आपने मुझसे मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरा घर बार, मेरे अपने, मेरी खुशियां, सब कुछ छीन लिया। आज आपको आपके पापों की कीमत चुकानी होगी। आपको गिन गिन के अपने एक एक करने का जवाब देना होगा। देख लो, आपके कर्म आपके सामने खड़े हैं। कहते हैं ना, यहाँ का किया यही भुगतना होगा, तो भुगतो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। रघु, रघु देखो ना, प्रार्थना क्या कर रही है। देखो, इसे कहो कि वो मुझे छोड़ दे। तुम ये क्या कर रही हो? इस बेचारी बेसहारा औरत को क्यों मार रही हो तुम? हाँ। ये इतनी मासूम नहीं है। डायन है डायन, और इन जैसे लोगों को नर्क की आग में भेजना चाहिए। सही कहा तुमने रघु, मैंने सुना है यही पास में एक लावा फूटा है। किसी को पता नहीं, पर वो लावा कोई साधारण लावा नहीं है, नरक की आग है। वही ले जाके इसे फेंकते हैं, सालों सालों तक। इन्हें नरक की आग में जलने दो। नहीं, नहीं, मुझे आग में मत डालो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। चल रहे मेरे, अब और नहीं, छोड़ दो मुझे। तू भी नाग है, तूने मुझे धोखा दिया, नहीं बताया ना, यू चीटर आइश। कहते हैं कि सबका वक्त आता है, आज आपका वक्त भी आ गया। अच्छी आत्माएं स्वर्ग में जाती है और बुरी आत्माएं नर्क में, और आप इस नर्क की आग के ही लायक हैं। अब चलो, इस आग में चलो। प्रार्थना, मुझे माफ कर दे। देख, हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रही हूँ, और जब कोई भी दुश्मन ना हाथ जोड़कर माफी मांगता है ना, तो उसे माफ कर देना चाहिए। देख, मैं फिर से कह रही हूँ, आई शपथ, आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी। आज आपका अंजाम आ गया है, आज मेरा इंतकाम आ गया है। आज की ये तारीख, यही वक्त लिखा है आपके लिए। आपका वक्त आ गया है। हे शिव जी, आज एक पापी आत्मा को नर्क की आग में फेंक रही हूँ और अपने देश की मिट्टी का बोझ हल्का कर रही हूँ। जय भोलेनाथ। हमारे कोई दुश्मन नहीं बचा। अब हमारी जिंदगी में कोई गम नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। कल महाशिवरात्रि के दिन हमारी शादी होगी और एक नई शुरुआत होगी, पर इस बार शिवजी की साक्षी में शेषनाग और शेषनागिन का विवाह होगा, जो इस ब्रह्मांड ने लिखा है। हाँ, अब एक नई कहानी लिखी जाएगी, शेषनाग और शेषनागिन की कहानी। और इस कहानी में इतना प्यार होगा कि इसकी दास्तां सदियों तक दोहराई जाएगी। आज शेषनाग और शेषनागिन के विवाह का शुभ अवसर है। देवराज इंद्र ने नृत्य के लिए अप्सराएं भेजी हैं। रंबा और मेन का आई है देवलोक से। आज महाशिवरात्रि की महारात है। आज महादेव और महागौरी के विवाह की रात है, उनके मिलन की रात, एक पवित्र रिश्ते के शुभारंभ की एक पवित्र रात। महादेव के दो सबसे बड़े भक्त शेषनाग और शेषनागिन आज विवाह के शुभ बंधन में बंध जाएंगे। चंद्रमा की साक्षी और महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद से आज ये महाविवाह संपन्न होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, जय महाकाल। सदा खुश, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवाह संपन्न हुआ। आज शेषनाग और शेषनागिन पति पत्नी हुए। आखिर दो शक्तियों का मिलन हो गया। ये मिलन लाखों सालों के बाद एक ही बार होता है। अनंतनाग, नागलोक की जिम्मेदारी अब शेषनाग के हाथों में सौंपने का वक्त आ गया है। आज इस सदी का सबसे बड़ा विवाह हुआ है, पर मैं नागलोक जा रहा हूँ। इसके लिए नागलोक की बागडोर संभालना। लेकिन अनंतनाग, ये जिम्मेदारी तो अब शेषनाग को संभालनी है ना? हाँ, पर इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। आपको उसका चेहरा देख के लगता नहीं? हे नागराज तक्षक, अब बताइए भविष्य की कौन सी कहानी खुलेगी? आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नाग नागिन शेषनाग और शेषनागिन का विवाह है। इन्हें सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, पर चारों तरफ ये बात हो रही है कि कहानी का अगला पन्ना क्या होगा। क्या ये दोनों वहीं जाएंगे जहां इन्हें जाना चाहिए? नागलोक, भविष्य के पन्ने पर क्या लिखा है वास्तव में ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये दोनों अगर अभी नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। इनके घर वो किस्मत आएगी जो सबसे शक्तिशाली होगी, और वो शक्ति पलेगी शेषनाग इनके गर्भ में। किस्मत के आशीर्वाद से पहली बार शेषनाग और शेषनाग इनके वंश में इनका अंश आएगा। इनकी जो भी संतान होगी वो सर्वशक्तिशाली होगी। जिसका जन्म ही होगा अपार शक्तियों के साथ। हम आठों नागवंश के नागराज, हम बेसब्र हैं इन दोनों की संतान को देखने के लिए। कैसी होगी वो संतान जिसमें पूरे ब्रह्मांड की अधिक शक्तियां होंगी? इसका उत्तर तो अब समय ही देगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? पन्ना पलटेगा। आप जैसी खूबसूरत औरत के लिए ये खूबसूरत नेकलेस नहीं। अच्छा लिसन, मुझे ना वो नागिन वाला हार बहुत पसंद है। नागिन वाली? हाँ, सच में लगता है नागिन होती। मैंने सीरियल में देखा था। मुझे ना उनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। सही बात है। आपके लिए ना एक बहुत अच्छी चीज है, अभी दिखाता हूँ। पूजा, वो सेट लेके आओ, आपको ना बड़ा मजा आने वाला है। आप सबको भी ये देखिए, ये है आपका पूरा सेट। क्या लग रही है आप? मुझे लगता है नाग नागिन होते हैं। मैडम, मुझे नहीं लगता। मतलब सोचिए ना, अगर एक इंसान हो और वो एकदम से नागिन बन जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, हो सकता है, बट मैं से लोगों को जानती हूँ। मेरी सास, आपको पता है, पूरी की पूरी नागिन है। बहू, हाँ, तुमने ज्वेलरी पसंद कर ली ना? हाँ मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, आपने इन्हें देखा? बड़े चार्मिंग सेल्समैन है ना? ये यहाँ के सेल्समैन नहीं, हाँ? मेरे पति है, इस ज्वेलरी शॉप के ओनर है। इन्हें अपने कस्टमर्स को खुद अटेंड करना अच्छा लगता है। वैसे तो ये आए थे मेरे लिए पानी लाने, पर शायद भूल गए। कस्टमर्स में बिजी हो गए ना। उन्हें अपने काम का बहुत जुनून है। जो भी करते हैं दिल से करते हैं, है ना रघु? वो तो है, पर मैंने पानी भिजवाया था तुम्हारे लिए। मिस्टर चार्मिंग, आप जाके अपनी वाइफ को अटेंड कीजिए, बहुत जेलस फील कर रही है। अगर ये जेलसी बढ़ गई ना तो आपके प्यार में आग भी लग सकती है। हाँ। पूजा, तुम ये दिखाओ, मैं आप प्लीज देखिए। श्योर। ज्वेलरी बेच दो ना यार। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे शोरूम में 12 सेल्स गर्ल है और 4 मैनेजर्स। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे अच्छा लगता है ये सब, मुझे करने दो ना प्लीज। हाँ हाँ, ग्रोन अप लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ना। अरे उनसे बातें करना। पता है मुझसे कह रही थी, मुझे लगता है कि लोगों में नाग नागिन तो नहीं होते, पर उसे अपनी सास में नागिन दिखती है। क्या इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती यार ये ओल्ड लेडीज। एक सेकंड, मतलब तुम्हें वो लड़कियां इंटरेस्टिंग लगती है? हाँ? नहीं, उनकी बातें इंटरेस्टिंग लगती है। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, सब देख रहे, पता नहीं क्या सोचेंगे। यह है कि उनके बॉस अपनी पत्नी अपनी शादी से बहुत खुश हैं और 2 से 3 होना चाहते हैं। आने वाले मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Hey love bird, यार घर पे सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतने बड़े वो सेलिब्रेशन की तैयारी की और तुम दोनों यहाँ। एंड प्रीति, तुम आज क्यों आई स्टोर में? मैं और सोनिया सब हैंडल कर लेते ना। तुम दोनों जाओ, रेडी हो जाओ फटाफट। एग्जैक्टली, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे, इतने एक्साइटेड है, सुबह से तैयारियां कर रहे हैं बेचारे, और एक आप दोनों की कोई कंसर्न ही नहीं है। पता नहीं ये बच्चे भी क्या क्या काम करवाएंगे। ये बच्चे भी ना नचा के रख दिए हैं। देखो, म्यूजिक वगैरह परफेक्ट चाहिए। 1 मिनट बच्चों, इतना सारा काम। देखो भैया, इस घर में तो कोई बड़ा है ही नहीं, और जो करना है हमें ही करना है, इसीलिए तो ये सारा अरेंजमेंट हम ही कर रहे हैं। आंटी जी, गोद भराई की तैयारी अच्छे से कर लेना। मैं तो कर दूंगी बच्चों, पर ये बताओ गिफ्ट कौन देगा? हम देंगे। अच्छा, अब बस तैयारी कर लीजिए। तो हम सिर्फ मेहंदी? नहीं, मेहंदी लगाएंगे, गाना गाएंगे, थप्पे लगाएंगे, और सारे गिफ्ट हम देंगे। अरे पर जिसकी गोद भराई है वो कहाँ है? अब तक प्रीति दीदी को यहाँ आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। दीदी ना भूल गई है कि वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। हाँ, और उन्हें इस कंडीशन में ना इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। आ जाने दो उनको, मैं क्लास लेती हूँ प्रीति दीदी का। प्रीति दीदी नहीं, प्रीति। हाँ, मैं तो तुम्हारे जीजू पर नजर रखने आई थी, पर आते ही देखा कि इनकी नजरें तो कुछ और ही नज़ारे देख रही है। अरे अच्छा, मैं यहाँ आया था तो सोचा कस्टमर से खुद हैंडल कर लेता हूँ, इसलिए। अच्छा लेट इट बी भाभी, बहुत हो गया। हाँ, अब आप जल्दी यहाँ से निकलो, पार्लर में आपकी अपॉइंटमेंट भी तो है ना। इतना बड़ा फंक्शन है गाइस, मेहमानों के आने का भी टाइम हो गया है। आप जाओ, मुझे भी 1-2 चीजें लेनी है, मैं भी घर आ रही हूँ। ओके ठीक है, चलो रखो। चलो। एक्सक्यूज मी, ये ज्वेलरी कौन दिखाएगा? मैं दिखाता हूँ। अरे शाला जी, आप तुम दिखाओगे तो मैं ये पूरा शोरूम खरीद लूंगी। शाला जी, आप ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए, एक बात कहूँ, तुम्हारे चेहरे की चमक ना बिल्कुल सूरज जैसी है। एक सेकंड, तुम घर जाओ, खार बाहर खड़ी है, मैं शला जी को पूरी शॉप बेच के आता हूँ। रघु, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम इन्हें इतनी ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहे हो जितनी तुम्हारे पास है भी नहीं। जो भी है, जैसा भी और जैसे भी करना पड़ेगा, हम जो भी कमा रहे 8 बच्चों के नाम करने वाले, तो शला जी भी खुश और बच्चे भी खुश और तुम भी खुश। बोली शला जी, वो नया वाला हार लेके आओ, ये देखिए। जब थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। चांद मत देखिए। क्या? चांद मत देखिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। ये अजनबी कौन था? सुनिए सुनिए। सॉरी मैम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर चांद को ही देख रही थी शायद। आइए मैम। कौन था वो आदमी जिसने मेरी जान बचाई, और क्या कह के गया वो? शंकर, तुमने उस आदमी को देखा था क्या? कौन मैम? जिसने मुझे बचाया। सॉरी मैम, जब आपका एक्सीडेंट होने वाला था ना, मैं गाड़ी में ही बैठा था, और जब तक मैंने बाहर आके देखा तो थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ था। आज कौन सी रात है? आज पूरे चांद की रात है, और ये भी कह रहे थे कि आज चांद धरती के सबसे करीब है। उस आदमी को कैसे पता कि पूरे चांद की रोशनी का मुझ पे असर पड़ेगा? ये पूरा चांद की इंजुली पर उसका असर, ये तो सिर्फ नाग नागिन के साथ होता है। तो उस आदमी को ये सब कैसे पता? उसने ये क्यों कहा कि चांद मत देखिए? वो मुझे चांद देखने से क्यों रोक रहा था? बिल्ली रास्ता काट गई। तो ये क्या अपशगुन है? लेकिन मैम, बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए ब्रेक मारा, और मैम ये वाला रास्ता भी बंद है, तो आगे से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अरे जिंदगी सोनी लग रही हो। अच्छा, चांद का टुकड़ा है, ऐसी बहू पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगी। किसी की नजर ना लगे। अरे आओ जी आओ, टप्पे गाओ। ओहो, जेंट्स के आने से पहले सारी रस्में पूरी कर लेते हैं। तू भी तो जेंट्स है। जा। मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो बच्चा हूँ। मैं भी इस गोद भराई में रहूंगा। जाना तो पड़ेगा। वाह, तेरे साथ मिलके इतनी सारी अरेंजमेंट की, और जब भी फंक्शन का टाइम आया तो मुझे देखने नहीं दे रही। देखो पूरा चांद आया है, देखो ना। वाह, ऐसे दिखते हैं। चलो चलो बाहर चलो। आराम से, जल्दी बाहर आइए, चांद बहुत ब्यूटीफुल है, आप भी आके देखिए ना। आज तो पूरे चांद की रात है, आज तो मैं चांद को नहीं देख सकती। तुम्हारे पापा बहुत जल्दी आ रहे होंगे। शिव जी, इतने सारे सांप एक साथ यहाँ। आप सब यहाँ मेरे संतान को आशीर्वाद देने आए हैं। शेषनागिन को हमारा प्रणाम। हम सब नागलोक से आए हैं आपकी संतान को आशीर्वाद देने भी और शेषनाग और आपको एक संदेशा पहुँचाने भी। तुम सब यहाँ क्यों खड़े? हेलो, देख लिया? हाँ। चलो 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 चलो। चांद देखा कितना अच्छा है। ये क्या बात है, इतनी खूबसूरत लग रही है। और ये लेटर कौन छुप छुप के तुम्हें लेटर दे रहा है? किसी ने मेरी बीवी की तरफ देखा भी ना तो उसकी आंखें नोच लूंगा मैं। नागलोक से नाग नागिन आए थे हमारे संतान को आशीर्वाद देने। क्या? धीरे से बात करो। हाँ, आशीर्वाद भी दिया और उसके साथ साथ ये लेटर भी दिया है। नागलोक से कोई संदेशा है। हमें कहाँ जाना है और क्यों बुला रहे हैं? नागलोक। शिव जी करे कि सब कुछ ठीक हो। नागलोक से ये जो संदेशा आया है उसमें लिखा है कि तुम्हारे चाचा जी अनंतनाग जी की तबीयत बहुत खराब है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। लेकिन प्रार्थना ये नागलोक, मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि नागलोक जैसी कोई जगह होती है। मुझे लगा सिर्फ एक नागमहल होता है जहाँ पे सिर्फ नाग नागिन रहते हैं। आओ आराम से। नहीं रघु, हम रहते धरती पर है, पर धरती के नीचे 3 लोक हैं और धरती के ऊपर 3 लोक। नागलोक मैंने भी आज तक कभी देखा नहीं, पर बहुत सुना है। माँ ने मुझे नागलोक की कई कहानियाँ सुनाई हैं। तुम जानते हो, हमारे नागवंश में से सबसे आखिरी नागिन नागलोक जाने वाली मेरी परनानी थी। वहाँ एक दिव्य पायल थी जिसके वजह से मेरी परनानी की नागलोक में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी हमारे नागवंश के सबसे बड़े दुश्मनों के साथ, असुरों के साथ। वहाँ कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था, इसीलिए अब अगर नागलोक से संदेशा आया है तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रघु, मैंने नागलोक के बारे में इतनी सारी कहानियाँ सुनी है कि मुझे वहाँ जाके देखना है कि जो भी मैंने सुना है वो सच है भी कि नहीं। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब क्या मतलब रघु? रघु, नागलोक में तुम्हारा परिवार है, तुम्हें मन नहीं करता वहाँ जाने का, उन्हें जानने का? नहीं, क्योंकि मेरे बाबा शेषनाग ने मुझे यहाँ भेजा था। हाँ, धरती पे भेजा था, पर फिर भी संदेशा कहता है कि तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है। क्या पता, अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें वो कोई बड़ी बात बताना चाह रहे हो? कोई जरूरी बात बतानी हो तो? नहीं, कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने की। तो अभी संदेशा है, उसका जवाब क्या दूं मैं? मना कर दो। रुको रुको, कौन हो तुम और कब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो बोलो? देखिए, आपके किसी भी सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहता हूं कि आप धरती छोड़कर कहीं मत जाइए। राधा, यहाँ कैसे तुम वहां बैठी थी? रघु, ये लड़का, इसने मुझे संदेश दिया, मैंने उसका पीछा किया और यहाँ पर पकड़ा, और मुझे कह रहा था कि मैं धरती छोड़कर कहीं ना जाऊं। इसका मतलब ये था कि मैं नागलोक ना जाऊं। कौन? ये वो लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था रघु, वो लड़का जो मेरा पीछा कर रहा था। वो जानता है कि मैं कौन हूँ। वो मुझे पहले भी मिला था, पर तब मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पर ये लड़का है कौन? चाहता क्या है रघु? तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? अब ये सब बातें नहीं। हम नागलोक नहीं जा रहे, तो इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? मंदिर जाना ना, मैं छोड़ता हूँ, आ जाओ। पूजा करोगी तो मन हल्का हो जाएगा। शिवजी, आज मेरा मन बहुत अशांत है, और माँ ने कहा था कि जब भी मेरा मन अशांत हो तो मैं आपकी शरण में आ जाऊं, आपके चरण में आ जाऊं, और मेरा मन शांत हो जाएगा। आज मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ शिवजी। नागलोक से मेरे लिए एक संदेश आया है और मुझे उसका जवाब देना है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। हे शिवजी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शेषनागिन की जय हो। हम नागलोक से आए हैं। संदेश भेजा गया था आपको। आपका जवाब क्या है?